वेलकम टू केम हाउस। सो गाइस आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेम रिएक्शन सीरीज को। आज की जो हमारी नेम रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 4 इन रिएक्शन, और इसी को हम लोग कहते हैं अंडर इन रिएक्शन। गाइस ये जो नेम रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस इस रिएक्शन से आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। आप चाहे तो गेट का पेपर देख लीजिए उठा के प्रीवियस ईयर्स के, या फिर CSIR नेट के, काफी सारे क्वेश्चंस इस रिएक्शन से बनते हैं। क्योंकि गाइस ये जो रिएक्शंस आपकी आती है ये पेरिसाइक्लिक से रिएक्शंस आती है, आपको पेरिसाइक्लिक के पोर्शन में ये रिएक्शंस मिलती है। तो गाइस जिस तरह से हमने प्रीवियस के आपके 3 नेम रिएक्शंस कंप्लीट किया है, शैपिरो रिएक्शंस, उसी के साथ बेली सिलमन रिएक्शंस और बम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे वो 3 नेम रिएक्शन की सीरीज नहीं देखी वो जरूर देख ले गाइस, बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है वो सीरीज, क्योंकि हमने उसी तीनों ही नेम रिएक्शन में काफी सारे रेफरेंसेस बुक्स की एप्लीकेशन दिया है आपको। ठीक है, स्ट्रेजिक बार बरा जिसे हम लोग कहते हैं कुर्सी बार बरा की एप्लीकेशन हमने प्रीवियस के लेक्चर्स में दिया है तीनों ही नेम रिएक्शन के लिए। उसके बाद कैडन के कुछ क्वेश्चन लिया है, कैरोथर से कुछ लिया है, और जी जैकली के भी कुछ एप्लीकेशन हमने तीनों ही नेम रिएक्शन में वहां पे डिस्कस किया है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे न्यू है वो जरूर हमारे नेम रिएक्शन की सीरीज के तीनों ही नेम रिएक्शन के वीडियो देखे, बहुत ही बेनिफिट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस इन रिएक्शन। तो गाइस हम लोग ये जो इन रिएक्शन है हम लोग इसे 2 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा होगा L1 और उसके बाद सेकंड लेक्चर होगा हमारा L2। तो हम लोग आज L1 में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो गाइस जैसा कि हम लोग हमारे हर लेक्चर्स में हर वीडियो में जो भी नेम रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 1 में जो भी बेसिक्स नीड्स चाहिए होती है उस नेम रिएक्शंस के लिए, उसका इंट्रोडक्शन, उसके लिए रिएक्टेंट क्या चाहिए, उसके लिए कंडीशंस क्या चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस इन रिएक्शन को। ठीक है, वैसे हम लोग बेसिक्स लेवल से लेके हायर लेवल तक जाएंगे, तो हमारा वीडियो अंत तक देखे और हर एक पॉइंट्स पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये जो पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करूंगा या जो ये लिखा हूँ यहाँ पे, ये किसी एक रेफरेंसेस बुक से नहीं लिए गए, ये आपकी जो रिएक्शन है हम लोग इसे क्रेडेंस से कवर करेंगे, कैरोथर से कवर करेंगे, और लास्ट हमारी कुर्ती बारबरा, इन तीनों ही बुक से हम लोग आपकी ये इन रिएक्शन गाइस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लेक्चर नंबर 4 जैसा मैंने कहा, इस आज हम लोग क्या करेंगे गाइस, जो बेसिक नीड्स चाहिए इस इन रिएक्शंस के लिए वो डिस्कस करेंगे, रिएक्टेंट, उसके बाद कंडीशंस, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, कंडीशंस क्या चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इन क्या होता है, इनऑफ फाइल्स क्या होता है, ठीक है, आज के लेक्चर्स में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो गाइस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेरियो केमिस्ट्री के एग्जांपल्स, जो कि आपके क्लिडन में भी दिए हुए हैं, कैरोथर में भी दिया हुए है, और आपके कुर्ती बारबरा में भी है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग स्टेरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड एप्लीकेशन के साथ स्टडी करेंगे, और आज इस लेक्चर में हम लोग जो बेसिक चीजें चाहिए इन रिएक्शंस के लिए, बेसिक सिंपल एग्जांपल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन रिएक्शंस। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे न्यू है वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। ठीक है, तो जैसा कि गाइस आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट हमने निकाले हैं, और ये जो 5 पॉइंट है ये किसी एक रेफरेंस बुक से नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार क्रेडन से है कुछ पॉइंट, कुछ कैरोथर से है, और कुछ आपकी कुर्ती बारबरा से पॉइंट्स हमने लिए है। तो क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं, द इन रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द थर्मल कंडीशंस, यानी कि गाइस आपकी जो इन रिएक्शंस होने वाली है उसके लिए कंडीशंस क्या चाहिए, थर्मल कंडीशंस चाहिए। यहाँ पे थर्मल यानी कोई हमें हीट मेंशंस करके दे देंगे एग्जांपल्स के अंदर, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी हीट का सिंबल दिया है, यहाँ पे भी उसने हीट का सिंबल दिया है, लेकिन इस वाली कंडीशंस में हीट का सिंबल नहीं दिया है, यानी ये जो रिएक्शन है आपकी विदाउट हीट हो सकती है क्या, तो पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया है इसने, क्या किया है देखो गाइस, मेनी इन रिएक्शन आर कैटालाइज्ड बाय लेविस एसिड्स एंड प्रोसीड अंडर माइल्ड कंडीशन, यानी गाइस हमें अगर हीट नहीं भी देता है, सिर्फ हमें लेविस एसिड एज ए कैटालाइज बोल के देता है, तो भी हम लोग उस टाइम में कौन सी रिएक्शन करेंगे, इन रिएक्शंस करेंगे। जैसा कि गाइस यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक ये कंडीशन दिया है, एक ये दिया है लेविस एसिड की, ये कंडीशन दिया, ये भी लेविस एसिड की कंडीशन दिया, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही है, कंडीशंस क्या दिया है लेविस एसिड की, जैसा कि ये बता रहा है, और हम आपको गाइस ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करवा रहे है जो हमने पॉइंट लिया है, कौन सी बुक से लिया है, ये जो 1st पॉइंट आपका लिया गया है कैरोथर से,
सेकंड वाला पॉइंट्स भी लिया गया है कैरेक्टर से, हम लोग आपको ऊपर पिक्चर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री की। पॉइंट नंबर थ्री क्या बोल रहा है, द अल्केन्स बियरिंग एन अलाइलिक हाइड्रोजन्स। क्या चाहिए, जो हमें हमारे पास एक अल्केन्स चाहिए वो कैसा चाहिए, अलाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग चाहिए, और उसी को हम लोग कहेंगे दे इन कंपोनेंट्स, यानी के जिस कंपाउंड्स के पास अलाइलिक हाइड्रोजन होगा गाइस उससे हम लोग कहेंगे इन। अब देखो यहाँ पे इस वाले कंडीशन देखते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में ये जो अल्कीन है ये वाला, इसके पास यहाँ पे ये जो कार्बन है कौन सा कार्बन हो गया गाइस, अलाइलिक कार्बन हो गया, अल्कीन के अल्फा वाला कार्बन को हम लोग जनरली कहते हैं अलाइलिक, और ये जो हाइड्रोजन हो गया कैसा हो गया फिर, ये अलाइलिक हाइड्रोजन हो गया, यानी फिर ये जो कंपाउंड होगा हम लोग इसे क्या कहेंगे, करेक्ट हम लोग इसे कहेंगे इन कहेंगे, ये हो गया हमारा इन। अब सेकंड क्या कह रहा है, विद द कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिवेटेड मल्टीपल बॉन्ड द इनोफाइल्स। अब जो अदर कंपाउंड्स होगा सेकंड वाला उसके पास मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, अल्किन या फिर अल्काइन चाहिए, जैसा कि ये दिख रहा है हमें, देखो क्या दिया है हमें, अल्किन दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, तो इसका नेचर कैसा हो गया अकॉर्डिंग टू इस पॉइंट्स के, ये हो गया आपका इनोफाइल, ये क्या हो गया इनोफाइल्स हो गया, यानी कि आपकी जो इन रिएक्शन है उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, फर्स्ट तो चाहिए हमें इन, कैसा इन चाहिए, अलाइलिक कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, जिसे हम लोग कहेंगे अलाइलिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड चाहिए जो कि दिया हुआ है। अब सेकंड जो चाहिए इनोफाइल्स वो कैसा चाहिए गाइस, मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, अल्किन या फिर अल्काइन्स। अब ये जो इन होता है गाइस, ये इन इसी को ही हम लोग कहते हैं होमो, क्या कहते हैं हम लोग इसी को ही, हम लोग इसे कहते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो होता है इनोफाइल्स इसे कहते हैं हम लोग लूमो, क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं लूमो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ की, अ न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द अनसैचुरेटेड सेंटर विथ माइग्रेशन ऑफ अलाइलिक हाइड्रोजन एटम टू द अदर टर्मिनल ऑफ द इनोफाइल्स मल्टीपल बॉन्ड्स। अब क्या कह रहा है पॉइंट नंबर फोर्थ फिफ्थ में, वन टू थ्री फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, आपका जो ये अनसैचुरेटेड का जो कार्बन होगा, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और ये कार्बन, अब इन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा कौन सा वाला, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा गाइस, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कैसा बनेगा, ये जो हम हाइड्रोजन है हमारे पास अलाइलिक हाइड्रोजन इससे माइग्रेट करवाएंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, एक मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको जो कि मेंशन किया हुआ है आपके कैरोथर में, ये वाला कंपाउंड है हमारे पास और उसी के पास ये मैं बता रहा हूँ आपको हाइड्रोजन बता रहा हूँ, एक ये हाइड्रोजन है मेरे पास और यहाँ पे एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये मैंने ब्लैक से क्यों बताया तो ये पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है गाइस पॉइंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आईएमपी कर रहा हूँ मैं इसे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके इन रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ वाले पॉइंट्स के देखो क्या होगा यहाँ पे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा अल्किन बन गया, यानी के ये हो गया मेरा इन और ये हो गया मेरा इनोफाइल हो गया, इन क्यों हो गया, क्योंकि इसके पास क्या है अलाइलिक कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, इट मींस अलाइलिक हाइड्रोजन। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशंस के, ये जो अनसैचुरेटेड कार्बन है हमारे, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा गाइस, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, देखो किस तरह से होता है, अब ये जो अलाइलिक हाइड्रोजन है ये इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट और ये कैप्चर करता है ये वाला अनसैचुरेटेड कार्बन टर्मिनल वाला, तो अब यहाँ पे होगा क्या, अब देखो यहाँ पे बन क्या रहा है, तो जैसा कि आपको बता रहा है आप चेक करते हैं, हम लोग आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, एक इस तरह से मॉइटी मिलेंगे आपको, एक इस तरह से यहाँ पे ये मॉइटी मिल रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बता रहा हूँ, देखो प्रोडक्ट किस तरह से आपको मिलने वाला है, ये मेरा जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये ब्लैक वाला मेरा हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे इस वाले केस में आ गया, अब यहाँ पे ये आ गया डबल बॉन्ड्स, ठीक है, और ये बन गया आपका सिंगल बॉन्ड, यानी कि जैसा कि ये कह रहा था, क्या कह रहा था, ये जो अनसैचुरेटेड वाले कार्बन होंगे सेंटर पे उनका जो अलाइलिक हाइड्रोजन होगा, देखो
ये हलालिक हाइड्रोजन, और जो अनसेचुरेट वाले सेंटर कार्बन होंगे वहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड था, अब यहाँ पे इसके सेंटर पे इस वाले अनसेचुरेटेड कार्बन ने क्या किया, इस वाले अनसेचुरेटेड कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया गाइस, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। और ये जो था ये वाला, यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बन गया, देखो ये हाइड्रोजन का, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। और पाई बॉन्ड का यहाँ पे आ गया यहाँ पे, और ये जो टू हाइड्रोजन है ये ग्रीन वाले, मैं ये एज इट इज यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मेरे ग्रीन हाइड्रोजन में एज इट इज बता रहा हूँ। अब ये जो मैंने बताया होगा ये ब्लैक वाला हाइड्रोजन और ये ग्रीन, मैंने ये अलग कलर के पेन से क्यों लिखा, तो इसका जो कंसेप्ट से गाइज वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द सी एच बॉन्ड इज पैरेलल विथ पी ऑर्बिटल ऑफ द इन। अब ये जो सी एच बॉन्ड है देखो, देखना फोकस करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, ये पॉइंट आपको क्रेडम में भी मिल जाएगा, ये पॉइंट आपको कैरेथम में भी मिल जाएगा। क्रेडम ने इसे पैरेलल पोजीशन कहा है और कैरेथम ने इसे सिस पोजीशन कहा है, हम लोग आपको दोनों के ही पिक्चर ऊपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सी एच है ये इसका नेचर देखो, ये सी एच का, और ये जो आपके पी ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड्स के, ये कार्बन के पी ऑर्बिटल अल्किन्स के, ये दोनों ही हमें कैसे चाहिए, पैरेलल चाहिए, पैरेलल यानी कि ये सेम साइड चाहिए, कैसे चाहिए, ये सेम साइड चाहिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ पैरेलल यानी कि सेम साइड, जिसे हम लोग कहते हैं सिस पोजीशन चाहिए, ताकि ये रिएक्शन करने में आसानी होता है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट लगता है गाइस वो ऑर्बिटल का कंसेप्ट लगता है, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे आपके सी एच के और सी एच का, और ये जो पी वाला ऑर्बिटल है इस अल्किन का जो ऑर्बिटल है पी वाला, ये कैसे चाहिए, यानी कि सिंपल अगर कहा जाए तो ये अल्किन और ये सी एच, ये दोनों ही हमें सेम डायरेक्शन में चाहिए, पैरेलल डायरेक्शन में चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ओवरलैपिंग होती है, बेटर ओवरलैपिंग होंगी, आपकी जो रिएक्शन है वो इजीली हो जाएंगी, फसाइल हो जाएंगी, क्लियर, ठीक है। कैसे चाहिए, सेम डायरेक्शन में चाहिए, ये वाले कंसेप्ट गाइस हम लोग नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर नंबर टू है स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग इसी कंसेप्ट से प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री डिटरमाइन करने वाले, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो बेसिक चीजें चाहिए इस इन नेम रिएक्शन के वो डिस्कस करेंगे, और जो बेसिक एग्जाम्पल है आज के एग्जाम्पल्स में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री वाले एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, हाँ जो हमारा लेक्चर नंबर टू आएगा इन नेम रिएक्शंस पे, उस पर हम लोग जितने भी हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे लेक्चर नंबर टू स्पेशल फॉर स्टीरियो केमिस्ट्री एग्जाम्पल, वहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टीरियो केमिस्ट्री से ही डील्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, मुझे लगता है आप सभी को यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, पी ऑर्बिटल्स पैरेलल चाहिए किसके, सी एच के, सेम साइड चाहिए, हम लोग आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि ओवरलैपिंग अच्छे से ओवरलैपिंग बेटर हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है लास्ट वाला, क्या बता रहा है, हेट्रो इनोफाइल्स आर कॉमन सबस्ट्रेट इन द इन रिएक्शन। अब ये जो इनोफाइल है ये वाला, अब यहाँ पे हेट्रो ग्रुप अटैच है क्या, नहीं अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन है यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन ये क्या बता रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स में कुछ रिएक्शन में हम लोग हेट्रो इनोफाइल्स आर कॉमन सबस्ट्रेट बोल के भी यूज करते है, जैसा कि ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया यानी के हेट्रो आइटम लग गया, तो अब यहाँ पे कौन सा वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, ये वाला हेट्रो इनोफाइल्स, ये आपका हो गया इनोफाइल्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अलाइलिक हाइड्रोजन है क्या, नहीं अलाइलिक हाइड्रोजन तो इसके पास है भाई, देखो ये अल्किन, ये अल्किन के अल्फा वाला कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अलाइलिक कार्बन, और इसके पास ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा और ये तीसरा, ये जो हाइड्रोजन हो गया कैसा हो गया, अलाइलिक हाइड्रोजन हो गया, यानी ये हो गया हमारा इन, ये हो गया इनोफाइल्स। तो ये क्या कह रहा है, इनोफाइल्स हम लोग क्या ले सकते हैं, हेट्रो इनोफाइल्स भी यूज कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका हेट्रो इनोफाइल्स, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी और इनोफाइल्स की, ये जो पॉइंट्स है गाइस आपके नोट्स में इसे ऐड कर लो, ठीक है। अब चलते हैं इनके लिए डिस्कस करते हैं और इनोफाइल के लिए डिस्कस करते हैं, इन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, इनोफाइल आपके कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, और उसके बाद फर्दर हम लोग जाएंगे सॉल्यूशंस की ओर, ठीक है, क्लियर। चलते हैं इन और इनोफाइल्स की, बात करते हैं इन क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, और इनोफाइल्स, इनोफाइल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज क्लियर करेंगे इस बेसिक्स लेवल से हम लोग जाएंगे आपके डिफिकल्ट लेवल तक, ठीक है। जितने भी आपके कंसेप्ट होंगे इस नेम रिएक्शन के, इस इन रिएक्शन के, आपके सभी आज हम लोग इस वीडियो से क्लियर कराएंगे। हमारा वीडियो गाइस अंत तक देखिए, हर एक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक कंसेप्ट आपका लिया गया है रेफरेंसेस बुक से,
अब जो इन होगा, सबसे फर्स्ट जो आपका इन होता है गाइस, उसे हम लोग कहते हैं होम। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा हूं मैं, आपका जो इन होगा उसका नेचर कैसा होगा, होमो नेचर होगा। होमो यानी कि हाईएस्ट ऑक्युपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे हम लोग कहते हैं, मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिच। कैसा होगा ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन रिच। अब इनोफाइल जो होता है आपका, वो होता है लूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। अब आपके जो इन कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये अलाइलिक कंपाउंड्स, ये वाला, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा हो गया, ये अलाइलिक कार्बन हो गया। और ये जो हाइड्रोजन होगा, ये वाला, ये हमें चाहिए इस इन के अंदर, इन वाले कंपाउंड्स में, इस कार्बन के पैरेलल सेम साइड्स कह लो या सिस कह लो। ठीक है, अब इसके पास क्या हो सकते है, अब ये एक आर ग्रुप और ये दूसरा वाला आर। ठीक है, अब ये जो आर है गाइस, इनका नेचर कैसा चाहिए, जैसा कि हमने स्टार्ट में ही कहा, इन क्या होता है, होमो यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच। हम लोग इसी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट लगा सकते हैं, ये जो आर ग्रुप चाहिए ये हमें कैसे चाहिए, ये तो हो सकते हैं आपके अल्काइल, यानी अल्काइल ग्रुप होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेंगे। क्या करेंगे काम, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, यानी कि सिंपल कह लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या अदर कोई ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में इनमें कोई आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा। जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको इस वाले सेशन में, इस इन वाले कंपाउंड्स में देखने के लिए नहीं मिलने वाले, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और सेकंड पॉसिबिलिटी जो कि बता रहा है आपके लैसलो कुर्ती में, बारबारा कुर्ती में जो बता रहा है, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है गाइस, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जेड। अब ये जो जेड होगा, ये होगा आपका हेट्रो आइटम। क्या होगा जेड, हेट्रो आइटम हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है सल्फर हो सकता है ऑक्सीजन हो। क्या होगा, नाइट्रोजन हो सकता है सल्फर हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये होता क्या है, तो ये जो मैंने एरो बताया हूँ रिजोनेंस का एरो है गाइस, अब यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये वाला यहाँ का जो अलाइलिक हाइड्रोजन होगा, अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, इधर माइग्रेट होता है, इस तरह से शिफ्ट होता है, डीलोकलाइज होता है या रिजोनेंस कह दो। और जो मॉइटी मिलेंगी हमें क्या मिलेंगी, ये देखो ये आ गया जेड और ये आ गया एच और ये आर ग्रुप। ये आर ग्रुप का नेचर भी कैसा चाहिए हमें, अल्काइल ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी इनकी जो कि दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये भी दिया है यहाँ पे अलाइलिक हाइड्रोजन दिया है। ठीक है, अब ये दूसरा भी, ये जो अल्कीन है यहाँ पे, ये अलाइलिक हाइड्रोजन है, ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब इस वाले केस में ये आपका इन हुआ क्या, ये इन नहीं हुआ, ये दोनों ही यहाँ पे देखो फिट हो रहा है क्या, नहीं मेंशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये जो आर होगा आपका, ये भी कैसा होगा, यानी अल्काइल ग्रुप, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा। तो ये तो हेट्रो आइटम है, अब ये हेट्रो आइटम का ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी और नाइट्रोजन भी, ये तो ऑक्सीजन है, लेकिन ये जो ग्रुप आ गया है कार्बन कंपाउंड्स आ गया, यानी ये आपका इन नहीं है। ये क्या होगा फिर, यस ये होगा आपका इनोफाइल्स। तो इन क्या होगा, इन ये होगा, ये अलाइलिक दिया है, देखो अल्किन के अल्फा पे दिया अलाइलिक, और ग्रुप कैसा दिया है यहाँ पे, इसे मिथाइल ग्रुप दिया, अल्काइल ग्रुप दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं करोथर के अंदर भी, देखो यहाँ पे भी इसने जो दिया है, ये वाला अल्किन, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा यहाँ का, ये अलाइलिक होगा, और ये ग्रुप कैसा दिया है जिसने, आर ग्रुप दिया है, मिथाइल दिया, यानी कि अल्काइल ग्रुप दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेट का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नहीं दिया है, कार्बन कंपाउंड्स नहीं दिया है। ठीक है, इसमें दिया है देखो इस्टर दे दिया है इसमें, यानी ये आपका हो गया इनोफाइल्स। अब इसकी बात करते, अब ये देखो ये जो अल्कीन है, अब यहाँ पे भी अलाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अलाइलिक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी अलाइलिक हाइड्रोजन है, लेकिन इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं दिया है, जो कि हमारा यहाँ पे कंसेप्ट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग गाइस, आपके क्लेडर ने भी एग्जांपल्स दिया है, कैरोथर ने भी दिया है, और हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसके बाद आपके लैसलो कुर्ती एग्जांपल, उसमें भी सेम इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसने इन वाले कंपाउंड हमें दिया है। ठीक है, आपको मालूम हो गया इन क्या क्या हो सकता है, इनका रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप होता है, होमो होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब इसके अपोजिट आएगा आपका इनोफाइल्स, लूमो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, फर्स्ट कंडीशंस अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा। क्या होगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा। जैसा कि ये दिख रहा है आपको, देखो ये दिया है उसने, एक तो अल्फा हम लोग यहां से कंसिडर कर सकते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ये जो मॉइटी है इसका नाम क्या है, मेलेनिक अनहाइड्राइड दिया है। क्या दिया है हमें, मेलेनिक अनहाइड्राइड दिया है। ठीक है, यानी कि ये जो कंपाउंड्स होंगे जनरली जो आपके इनोफाइल्स होंगे उनका रोल, उनका नेचर कैसा होगा, उनके पास कौन सा वाला पर्सनल ग्रुप अटैच होगा, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उनके पास अटैच। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो उनके पास प्रेजेंट होने वाला है कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब ये हो सकता है एक तो अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, या फिर सिंपल आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा लाइक अल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, अल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। ठीक है, सेकंड वाला कंसेप्ट क्या बोल रहा है, इनोफाइल्स एक तो अल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन्स। अब थर्ड वाला कंसेप्ट, अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, तो जो थर्ड वाली पॉसिबिलिटी है गाइस, आपका जो कंपाउंड हो सकता है, जैसा कि देखो यहाँ पे ये दिया है इसने, क्या दूसरा एग्जांपल है, क्या दिया है यहाँ पे, जो आर ग्रुप है यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ पे जो आर ग्रुप है जैसा कि मैंने कहा ये होंगे आपके कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, कौन से होंगे ये कार्बोनिल कंपाउंड। और ये जो एक्स होगा मैं इसे एक्स कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है, हो सकता है कोई एनी अदर हेटरो आइटम दे दे, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर ऑक्सीजन। इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या डिफरेंट है गाइस, देखो इसमें डिफरेंट ये है, ये जो आर ग्रुप होगा ये कैसा होगा, एनी अल्काइल ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, विड्रॉइंग नहीं होगा। और इसके अंदर ये जो आर ग्रुप होगा कैसा होगा, कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से ये वाले जो कंपाउंड्स होंगे आपके इनका नेचर कैसा हो जाएगा, लूमो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो जाएगा। क्लियर हो गया, होमो, लूमो, इन और इनोफाइल्स, ये सभी चीजें आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे अब इन एग्जांपल्स की ओर। अब आप लोगों को मजा आएगा यहाँ पे स्टडी करने में, क्योंकि हमने सबसे पहले आपके जो बेसिक चीजें थी वो कंप्लीट करा दिए, कवर करा दिए गाइस। इन क्या होगा, इनका नेचर कैसा होगा, इनोफाइल्स क्या होगा और इनोफाइल का नेचर क्या होगा। ठीक है, अब चलते हैं इन वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की ओर। बहुत ही इजी एग्जांपल्स दिया है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, इन कौन सा होगा, इनोफाइल कौन सा होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल गई है। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका अलाइलिक, देखो अलाइलिक कंपाउंड दिया, अलाइलिक कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, यानी ये होगा आपका इन, इन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा मेरा होमो। ये क्या दिया है, कार्बोनिल कंपाउंड अटैच है, यानी कि ये हो जाएगा इनोफाइल। जब ये इनोफाइल हो गया तो इसका काम क्या है, लूमो, क्या काम है इसका, लूमो। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या दिया है गाइस, हीट दिया, हीट देगा या तो फिर हमें कोई लेविस एसिड दे देगा। अब रिएक्शंस क्या होंगी, देखो ये जो हाइड्रोजन है ये वाला हमारा, अब किस तरह से रिएक्शंस होंगी, ये इधर शिफ्ट, ये यहाँ पे जाएगा और ये अलाइलिक हाइड्रोजन इसके पास यहाँ पे आ जाएंगे, तो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों को मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ये वाली मॉलिक्यूल आ गई मेरी। अब ये जो हाइड्रोजन है मेरा, ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे कैसा था, ये वाला कार्बन आपका अनसेचुरेटेड कार्बन था, क्या बन जाएगा वहां पे, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, जैसा कि हमने देखा था हमारे पांच पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपका बन गया अल्किन, तो इसका प्रोडक्ट होगा ये वाला, फर्स्ट वाले का। अब सेकंड की बात करेंगे, अब इस वाले कंपाउंड की बात करेंगे सेकंड वाले की, ये मेरा आ गया यहाँ पे, ये पाइनिंग का स्ट्रक्चर है गाइस। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन्स, अब ये हाइड्रोजन्स और ये वाला जो कार्बन, ये कैसे दिख रहा है आपको, पैरेलल डायरेक्शन में दिख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे भी कैसा है गाइस, एक हाइड्रोजन है मेरे पास। ठीक है, इस वाले केस में भी, लेकिन ये जो पोजिशन इधर वाली, ये कैसी पोजिशन हो गई, यहाँ पे ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको मिथाइल, ये हो गया मेरा स्टेरिक क्राउडेड, ये कैसा हो गया,
स्टिल क्राउडेड, तो रिएक्शन आपकी यहां से होंगी क्या? नहीं, रिएक्शन यहां से नहीं होंगी। रिएक्शन कहां से होंगी? जहां इजीली से आपके ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वमेंट होगा रिएक्शन में, जहां पे लेस स्टेरिकली हिंड्रेड होगा वहां से इजीली से रिएक्शन हो जाएंगे। यानी कि अब इस वाला जो एलाइलिक हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होगा आपका कौन से वाले कंपाउंड के साथ? इसके साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, फर्स्ट वाला का तो हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ये वाला डबल बॉन्ड हो एक्स, एक्स हो सकता है कोई आपका यहाँ पे हाइड्रोजन हो या फिर हेलोजन हो, हाइड्रोजन हो या फिर कोई हेलोजन हो। अब रिएक्शन कैसे होंगे इन रिएक्शन? अब देखो ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, इधर शिफ्ट, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं रिएक्शन हुई इस कार्बन कंपाउंड्स पे? क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है तो इस वाले कार्बोनिल की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है इस वाले कार्बोनिल की इस वाले कार्बन से कम होती है। ठीक है, इस वाले कार्बन से कम, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग कंसीडर करते हैं डेल्टा टू, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 2 प्लस चार्ज आएंगे और यहाँ पे आएगा आपका 1 प्लस चार्ज, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचना, तो ये किधर खींचेगा? इसके तरफ खींचेगा ऑब्वियसली, तो इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेंगी? इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएंगी। और अगर कहा जाए तो होमोलोमो के अप्रोच में ये वाला जो कार्बन होगा आपका ज्यादा लूमो होगा, ज्यादा इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे लोअर इन एनर्जी को चले जाएंगे ताकि ये इजीली से रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसका कैसा बनेगा यहाँ पे? अब इन दोनों में रिएक्शन होंगी तो अब प्रोडक्ट बनेगा क्या आपका? ये वाला बनेगा, ये मेरा एसिडिज होगा यहाँ पे, देखो 1, 2, 3 और ये आपका आ गया एक्स, डबल बॉन्ड का आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाले की। अब थर्ड वाला जो कंपाउंड दिया है हमें, अब ये कैसा दिया है, अब आप लोग डिसाइड करो यहाँ पे होमो कौन सा है, लोमो कौन सा है, इनोफ इन कौन है और इनोफाइल कौन है। ये जो कंपाउंड है आपका ये कैसा हो गया गाइस? यस, ये हो गया आपका इनोफाइल्स। ये कैसा हो गया? इनोफाइल्स हो गया। क्यों इनोफाइल्स हो गया? ये जो ग्रुप लग गया ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये भी जो एल्डिहाइड है हमारा, जैसा कि हमने आपको इनोफाइल की लिस्ट में बताया था, इस वाला केस का भी एग्जांपल हो सकता है। अब सेकंड, ये जो मॉलिक्यूल है ये वाली, ये अब ये क्या हो गया आपका? देखो ये कंसेप्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में, इस वालों को मैं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, इस वाले को कर रहा हूँ। ठीक है, कैसा जाएगा ये वाला? ये इधर शिफ्ट, ये आपका एल्डिहाइड पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्या करेगा डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा। इसने स्टर पे अटैक क्यों नहीं किया? ये जो एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड पे ही क्यों अटैक हुआ गाइस? ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए। तो जैसा कि बात करते हैं रिएक्टिविटी की, बात करें अगर एल्डिहाइड और स्टर में तो मोर रिएक्टिव कौन है भाई? एल्डिहाइड, ये हमें पता है, ये सिंपल से कंसेप्ट तो हम सभी को पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? एल्डिहाइड की ज्यादा रिएक्टिविटी है कंपेयर टू रिएक्शन के हमारे कहां से गैस? एल्डिहाइड से गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? कंडीशंस क्या दिया है हमें? लेविस एसिड TiOr4 दिया है। ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है गाइस। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे OH और ये कंपाउंड है, यहाँ से अटैक कर रहा है इस वाले कार्बन से, ये कार्बन हो गया मेरा, ये वाला कार्बन मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये वाला जो कार्बन है मैं यहाँ बना रहा हूँ, और ये 1, 2, 3 और ये फोर्थ। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कैरोथर के एग्जांपल्स की। ठीक है गाइस, क्लेडन के अंदर ये जो तीन एग्जांपल है सिंपल एग्जांपल्स दिया है, स्टीरियो केमिस्ट्री के भी एग्जांपल उसने दिया, हम लोग आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री के जो एग्जांपल्स है हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, जैसा कि हमारे स्टार्ट में ही कहा, हम लोग इस जो रिएक्शन है आपकी इन रिएक्शन जिसे हम लोग कहते हैं अंडर इन रिएक्शन, हम लोग इसे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले। तो आपके यहाँ पे क्लेडन के तीनों ही एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं कैरोथर के एग्जांपल्स की। कंपाउंड्स क्या दिया है गाइस? ये वाला कंपाउंड दिया है, देखो ये मॉइटी दिया हुआ है, कैरोथर का एग्जांपल है, और यहाँ पे दिया है NTS टॉसिल ग्रुप दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें दिया है इस्टर। क्या दे दिया है? इस्टर। अब ये जो कंपाउंड है ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लग गया, यानी कि
ये हो गया मेरा इनोफाइल्स, ये हो गया इनोफाइल्स, और यहाँ पे ये जो अलाइलिक कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है क्या दिया है, एमई दिया है। ये कैसा है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी ये हो गया मेरा इन। अब रिएक्शन कैसी होंगे, इधर शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट, और ये ले लिया इसने हाइड्रोजन यहाँ पे। तो जो कंपाउंड बनेगा अब देखो क्या बन रहा है, ये पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाली मॉलिक्यूल बनाएंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन ने क्या किया, इस वाले कार्बन के साथ अटैच किया, ये वाला कार्बन, ये 4, तो 5 पे क्या है आपका एक है एन एच टी एस, और यहीं पे इस तरह अल्किन कहाँ पे बना, 2 और 3 के बीच में बना, अल्किन कहाँ पे बना, 2 और 3 के यहाँ पे बीच में आपका अल्किन बना, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस पॉसिबिलिटी है इस वाले एग्जाम्पल्स की आपके एग्जाम्स में पूछने की, क्योंकि ये जो इन दिया है आपको, ये जो इन दिया है 5th वाला एप्लीकेशन, ये असिमेट्रिकल इन है, एक ऐसा इन है आपका असिमेट्रिकल इन है। देखो अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ये देखो ये वाली मॉलिक्यूल दिया है आपको, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, और एक यहाँ मिथाइल दिया है। अब ये इनका नेचर देखो कैसा दिख रहा है, ये तीनों ही जो अल्काइल ग्रुप है ये हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी के ये जो कंपाउंड होगा इन होगा या इनोफाइल होगा, करेक्ट ये होगा आपका इन होगा, ये कैसा होगा भाई, ये इन होगा। अब जो नेक्स्ट दिया है इसी के साथ क्या दिया है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, एस्टर दिया हुआ है, और साथ ही में कंडीशंस लेविस एसिड्स, ठीक है क्या दिया है, मैं लेविस एसिड लिख रहा हूँ, लेविस एसिड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, हम लोग दोनों ही पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, और कौन सा मेजर होगा और क्यों होगा, हम यही कंसेप्ट इस वाले एप्लीकेशन में यहाँ पे आज सीखना है। अब ये जो इन दिया है असिमेट्रिकल दिया है, यहाँ पे भी अलाइलिक कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी सेम कंडीशंस, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। अब कौन सा वाला आप अलाइलिक हाइड्रोजन माइग्रेशंस करवाएंगे, और जो माइग्रेशंस करेंगे तो कौन सा हमारे इंटरमीडिएट मिलेगा। अब देखो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले हम लोग इस वाले का करेंगे, पहले हम लोग इस वाले का करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH2H, पहले इसका करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या मिलता है। अब यहाँ पे किस तरह से शिफ्ट होगा, देखो ये वाला जो कंपाउंड है आपका यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले पोजिशन पे, बीटा वाले कार्बन पे, बीटा पे करेगा, क्यू बीटा पे, क्योंकि ये कैसा होता है हमारा बीटा वाला कार्बन लूमो होगा, इलेक्ट्रो फिलिक इन नेचर में होगा, ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया बीटा पे अटैक करा है। अब जब मैं यहां से अटैक करा रहा हूं, देखो गाइस मैं जब यहां से अटैक करा रहा हूं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, इस वाले केस में मैं अभी सिर्फ इंटरमीडिएट बता रहा हूँ आपको, मैं इंटरमीडिएट के थ्रू ये एग्जाम्पल्स, ये जो एग्जाम्पल दिया इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है क्या मिलेंगे यहाँ पे मुझे, यहाँ पे अटैक किया तो मुझे जो कार्बोकैटायन मिला ये कैसा मिला, एक टर्शरी कार्बोकैटायन मिल गया, कैसा मिल गया, टर्शरी कार्बोकैटायन मिला मुझे, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या करेगा फिर डायरेक्ट फर्दर इसके साथ रिएक्शंस करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये वाली मॉलिक्यूल, ये जो मिला है मुझे कैसा मिला है, इस तरह से मिला है, टर्शरी कार्बोकैटायन मिला है, ये अल्किन का जो बाउंड था कार्बन था वो कार में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो वाली मॉलिक्यूल है देखो यहाँ पे क्या आ गया, -4 CO2Ne, मैं एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ रिजोनेटिंग की, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो ये मिथाइल है ये CH2 था मेरे पास, ये CH2 था ये, अब ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है शिफ्ट होगा इधर और ये इसको कर देगा स्टेबलाइज, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, मैं यही प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसका, देखो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिल गया डबल बॉन्ड्स, ये अल्किन यहाँ पे, अब ये CO2Me दिया है, और ये मेरा आ गया हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया हाइड्रोजन। एक तो हम लोग ये कंसेप्ट से इजीली से सॉल्व कर सकते हो, या फिर दूसरा वाला कंसेप्ट कौन सा, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये वाला,
और ये जो पी ऑर्बिटल है इसके, ये दोनों यहाँ पे कैसे है, ये पैरेलल डायरेक्शन में, तो इजीली से यहाँ पे रिएक्शन आपकी हो जाएंगी। ठीक है, एक ये कंसेप्ट लगाओ, या फिर आप देखो एक ये पॉसिबिलिटी होगी, हम लोग इसे कहेंगे ए वाला रूट। कौन सा रूट कहेंगे? ए। अब बी वाला रूट, ये और ये तो दोनों ही सेम है, चाहे आप इसका निकालो हाइड्रोजन चाहे इसका, लेकिन ये वाला जो इस वाले मिथाइल का जो हाइड्रोजन होगा गाइस, देखो ये अगर यहाँ का हाइड्रोजन होगा तो ये फेस और ये वाला फेस, ये जो नीचे का फेस है ये फेस में कैसा है, ये भी मिथाइल अटैच है और ये वाला भी मिथाइल अटैच है, तो यहाँ पे जो आपकी ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगी वो बेटर ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं होगी, तो ये भी मिथाइल आपका नीचे आ रहा है और ये वाला मिथाइल भी डाउन को जा रहा है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से फसाइल्स जो रिएक्शन होंगी आपके ऊपर से होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका सिर्फ हाइड्रोजन ही है, इस वाले अल्किन की बात करता हूँ, और यहाँ पे नीचे ये मिथाइल है, तो अगर हम लोग यहाँ का हाइड्रोजन लेते CH2 हमने जो यहाँ का लिया है लाली हाइड्रोजन यहाँ का शिफ्ट कराया, अगर हम लोग यहाँ का कराते हैं तो ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होंगी वो बेटर ओवरलैपिंग नहीं होंगी, इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं कराएंगे। अब बात करते इस वाले से, ठीक है ना, अब बात करते इस वाले से, अब देखो मैं यहाँ पे इसे बनाता हूँ, ये वाला कंडीशन, ये CH2 और ये H, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल। अब अगर मैं क्या करता गाइस, यहाँ पे ये जो अल्कीन है मैं यहाँ से अटैक कराता, कहा आ गया मेरा ये वाला ग्रुप आ गया, देखो सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है मैंने क्या किया, यहाँ से इस तरह से अटैक कराया इस वाली केस में, तो जो मेरा कार्बोकैटायन है, कहाँ बनता कार्बोकैटायन, यहाँ पे बनता कार्बोकैटायन, जो मेरा कार्बोकैटायन बनेगा उसका नेचर देखो आप कैसा है, उसका आप नेचर देखो कौन सा वाला बन रहा है। और सेकंड बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस वाली, ठीक है ना, उसकी भी अकॉर्डिंग हम लोग ये स्टेप को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली से, इजीली हम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितने कार्बन होंगे 1 2, ये 1 ये 2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज आपका, ठीक है, यहाँ पे CH2 और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, क्या बना है, कौन सा कार्बोकैटायन बना है, ये बन गया आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे कौन सा मिल रहा था आपको टर्शियरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे सेकेंडरी यानी कि ये लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, ये मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन कहाँ से जाएंगे, रिएक्शन जाएंगे यहाँ से, ये होगा मेजर और ये माइनर क्यों होगा, एक तो आप ये वाला भी कंसेप्ट लगा सकते हो, ये प्रोटॉन लेगा यहाँ से, और इसका अगर बात करें इस वाले केस की तो देखो आपको अल्कीन कहाँ पे मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ये एक मिथाइल आपका और ये दूसरा वाला मिथाइल, ये दो मिथाइल आ गए, अब यहीं पे आपका पास आ रहा है ये कंपाउंड ओ एम, देखो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 स्टार है यहाँ पे ओ एम, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे आएगा अल्कीन, तो इन दोनों में ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे 2 मिथाइल आ गए, ठीक है, और हमारा अपकमिंग ग्रुप भी इसी कार्बन पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो हमारा अपकमिंग ग्रुप है ये आपका इस वाले कार्बन के थ्रू अटैच हो रहा है, ठीक है ना, तो जो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा मिलेगा फिर करेक्ट प्रोडक्ट, ये वाला होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, ये वाला हमारा प्रोडक्ट करेक्ट होगा, ये वाला माइनर होगा। एक तो ये कंसेप्ट से लगाओ सेकेंडरी कार्बोकैटायन कंसेप्ट लगाओ गाइस, या फिर एक तो ये कंसेप्ट लगाओ सेकेंडरी कार्बोकैटायन कंसेप्ट लगाओ, या सिंपल सिंपल आप लगा सकते हो वहां पे इंटरेक्शन ऑर्बिटल इंटरेक्शंस, अगर यहाँ से आप लोग रिएक्शंस करोगे जैसा कि ये करा रहा हूं मैं, अगर यहाँ से करोगे तो क्या होगा, ये जो मिथाइल है ये क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, यहाँ पे रिपल्शन करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, जिसकी वजह से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बेटर नहीं है, तो जो रूट होगा वो करेक्ट ये वा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल्स की ओर, जो कि है आपका कैरोथर से लिया हुआ, ठीक है, उसके बाद हमारा जो लेक्चर नंबर 2 आएगा गाइस उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके केलन के भी कुछ एग्जांपल्स होंगे स्टेरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसके बाद कैरोथर के भी एग्जांपल्स होंगे और लाइज़ला कुर्ती के भी, क्योंकि गाइस लाइज़ला कुर्ती में जितने भी एग्जाम्पल्स दिया है उसने सभी को वहाँ पे स्टेरियो केमिस्ट्री के साथ डिस्कस किया है, तो हम लोग लाइज़ला कुर्ती की जो बुक्स है वो डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि वहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स है गाइस वहाँ पे कुछ सिंपल एग्जांपल्स नहीं दिया है, जो है हम आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब जो स्टेरियो केमिस्ट्री की बात आती है तो हम उसे डिस्कस करेंगे L2 के हमारे
लेक्चर्स में, ठीक है। अब जो लास्ट एग्जांपल दिया है, अब यहाँ पे क्या होगा, रेडियो सेलेक्टिविटी क्या होने वाली है। अब देखो गाइस, यहाँ पे ये जो है हमारे पास CH2H लाइलिक हाइड्रोजन है, और ये वाला ये जो कंपाउंड है, ये इसके पास ये भी एक अलाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अलाइलिक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी अलाइलिक हाइड्रोजन है। अब रिएक्शन कौन सी होंगी और क्यों होंगी, तो सिंपल कंसेप्ट लगाना है हमें, जो कि है ये वाला कंसेप्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था, CH बॉन्ड कैसे चाहिए हमें, चाहिए P ऑर्बिटल ऑफ इन को, और सेकंड वाला कंसेप्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, जहाँ पे लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस होगा हमारे रिएक्शन, वहां से हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अब जो कंडीशन दिया हुआ है हमें, अब ये जो फेज दिख रहा है आपको, देखो ये हाइड्रोजन CH बॉन्ड और ये वाला अल्किन्स, इसके जो पी ऑर्बिटल्स होंगे ये दोनों ही कैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में दिख रहा है ये वाले केस में। तो ये जो इजीली से क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन में टेक्स प्लेस होने वाले, रिएक्शन में क्या करेंगे, इन्वॉल्वमेंट होंगे, और ये जो मॉइटी है ये वाली, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये अल्किन है, अब ये भी कैसा दिख रहा है आपको, सेम प्लेन में दिख रहा है, लेकिन ये जो अल्किन है गाइस ये कैसा है, ये ऑलरेडी इंडोसाइक्लिक अल्किन है, कैसा अल्किन है ये इंडोसाइक्लिक अल्किन है। इंडोसाइक्लिक अल्किन कैसे होते हैं हमें पता है, कैसे होते हैं ये स्टेबल होते हैं, और ये जो अल्किन है ये कैसा है आपका, ये एक्सोसाइक्लिक अल्किन है, यानी कि रिंग के बाहर, और इनका नेचर कैसा होता है, ये होते हैं आपके अनस्टेबल। रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, ऑब्वियसली ये वाले करेंगे, ये वाला करेगा क्या आपका अल्किन, ये वाला नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी से कैसा है, स्टेबल है। और सेकंड ये जो रिएक्शन होंगी फसाइल्स होंगी, इजीली हो जाएंगी, क्योंकि एक्सोसाइक्लिक अल्किन है यहाँ पे, लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस है, ये इंडोसाइक्लिक अल्किन होगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होंगी यहाँ पे इजीली से हो जाएंगी, यहाँ पे इजीली से नहीं होंगी, किसकी वजह से, ये साइकिल की वजह से, ठीक है। तो जो रिएक्शन होंगी हमारे सिंपल इस तरह से रिएक्शन होंगे, देखो ये जो कंपाउंड है हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा इस तरह से, ये इधर शिफ्ट, ये अटैक करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स पे, और ऑक्सीजन ले लेगा ये हाइड्रोजन, तो जो प्रोडक्ट आएगा आपको ये अल्किन एज इट इज होगा, ये वाला इंडोसाइक्लिक का अल्किन एज इट इज होगा, ये सेकंड अल्किन आपका यहाँ पे बन जाएगा, ये अल्किन बन गया, इस कार्बन से रिएक्शन हो रही है, ये कार्बन से, और आपका ये आ गया OH, ये मिथाइल, तो ये होगा आपका मिथाइल। क्यों होगा, क्या रीजन है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, आपको सभी को ये चीजें आने चाहिए आपके पॉइंट्स में, आप इसे ऐड करते चलिए, आपको रेफरेंसेस बुक्स के अंदर जो भी पॉइंट्स है, जो भी कंसेप्ट है गाइस, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको ऊपर पिक्चर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा, ड्यू टू जो ओवरलैपिंग होंगी यहाँ पे ऑर्बिटल्स की, वो बेटर ओवरलैपिंग नहीं होंगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा साइक्लिक कंपाउंड की वजह से, जो कि यहाँ पे इजीली से रिएक्शन प्रोसीड हो जाएंगी, एक्सोसाइक्लिक अल्किन है लेस स्टेबल होता है, इंडोसाइक्लिक अल्किन है स्टेबल होता है, ठीक है गाइस। तो आज के इस लेक्चर्स में हमने आपके इन रिएक्शंस के काफी सारे जो बेसिक्स कंसेप्ट थे वो क्लियर कर दिए गाइस, काफी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, जैसे कि इन क्या होता है, इनोफाइल्स क्या होता है, कौन से टाइप्स का चाहिए इन, कौन से टाइप का इनोफाइल चाहिए, ये सारी चीजें हमने आज लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब बहुत ही जल्द मिलते हैं हमारे हम लेक्चर नंबर 2 में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है गाइस, ओके।